हाय गाइस, वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरर पार्ट 3, जिसमें नाम से जितने भी एरर बनने वाले हैं तो आपको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता दिया है। और नाम का जो भी टॉपिक है आपका, ठीक है, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और नाउन की प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, नाउन के एक एक फैक्ट आपको बताए गए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे एरर, और आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय पास में आएगा ई बेल आइकन बन के, इसे ऑल पर जाकर प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। अगर कोई चीज़ कहीं अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थाउजेंड ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या है ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे, नो एरर। इस चीज़ को समझो। अब देखना है कि कल मैंने आपको जो पिछला पार्ट 2 है एरर का, ठीक है, वैसे क्लास नंबर 5 होगी हमारी नाउन की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब भी थाउजेंड के बाद ऑफ शब्द आ जाए तो थाउजेंड नहीं होता, थाउजेंड्स होता है। क्या होता है? थाउजेंड्स। अगर ऑफ ना आए, कुछ और प्रपोजिशन आ जाए, तो वहाँ पर हम थाउजेंड कर सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका कह रहा है तो उसके अनुसार आपको काम करना होगा। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कई लोगों की संख्या की बात कही गई है, तो यहाँ पर थाउजेंड ना होकर थाउजेंड्स होगा, यानी कि एस और जोड़ देंगे। तो ये एरर पार्ट ए में है, तो पार्ट ए में एरर आपका निकल के आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है 30 मिलियंस पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इंडिया एंड आवर गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग दिस रिगार्ड और पार्टी है नो एरर। तो आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको ये समझ में क्या लिखा क्या नहीं, मतलब जैसा कि मैं बता रहा हूँ वैसा आप देखिए। रूल ने बताया था सिंगुलर और प्लूलर, कब सिंगुलर लगता है कब प्लूलर। मैंने इनके बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बनाई और विशेष के तरीके से इसको सॉल्व करके बताया था सिंगुलर और प्लूलर कैसे पहचानेंगे आप। तो यहाँ देखिएगा, जब भी कोई संख्या गिनती की हो तो वहाँ पर मिलियन मतलब लोगों की संख्या होती है, तो कई लोग होते हैं, मिलियन नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर मिलियन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर मिलियंस दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। तो 30 मिलियंस पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इंडिया एंड आवर गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग दिस रिगार्ड नो एरर। ठीक है, तो ये आप देख चुके हैं, इसमें कोई गलती नहीं पाई गई है। ठीक है, अगर एरर होता तो कहाँ पर होता, ये मिलियंस ना होता, सीधा सीधा मिलियन लिखा होता, MILION, तो इसमें एरर निकल आता और एग्जामिनर कहीं भी दे सकता है आपका एरर। तो इस क्वेश्चन में जो एरर था, यानी कि अगर एस शब्द हटा देंगे तो पार्ट ए में होगा, अगर एस जुड़ा रहेगा तो कोई एरर नहीं होगा, इसलिए हम सही लगाएंगे पार्ट डी, यानी कि नो एरर। ठीक है, तो नो एरर हमारा बिल्कुल सही है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैन यू ब्रिंग, ये पार्ट ए है और पार्ट बी है,
it 10 inches for me. Now, because I have to wear something. पार्टी है नो एरर. तो आपको इसमें छाटना है कि एरर कहाँ है. आप लोगों को 10 सेकेंड दिए जा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं कि कहाँ पर इसमें एरर है. चलो मैं ही बता देता हूँ इसमें एरर कहाँ है, आप लोग नहीं बता पाएंगे. देखिएगा, लिखा है कैन यू वेरिंग, ये बिल्कुल सही है. आगे 8-10 inches, ठीक है. जो एरर है वह इंचिस में है. जब भी संख्या एक से अधिक हो, ठीक है, तो वह संख्या कैसी प्लूरल होती है, ठीक है. 10 अगर अधिक वाली संख्या साथ में दी है तो उसके साथ सिंगुलर शब्द का यूज किया जाता है, प्लूरल का नहीं किया जाता है. अगर यह 1 होता, 1 से भी कम होता, तो इंचिस कह सकते थे, ठीक है. लेकिन यह 10 दिया है तो यह 10 inch बोलेंगे, यानी कि 10 inch. अगर इंचिस कर देंगे तो ये प्लूरल कई गुना अधिक होगा और यहाँ पर एरर आता रहेगा. यहाँ पर 10 inch है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. मतलब जो एरर होगा वह पार्ट बी में होगा. इंचिस के स्थान पर इंच लिखा जाएगा, यानी कि स्पेलिंग जो एस की दी उसे हम नहीं लिखेंगे. INCHE, ये आपकी बिल्कुल सही स्पेलिंग बन जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर इन द हैबिट ऑफ गिविंग एल्म टू ऑल द बेगर्स हु कम टू अ पार्टी, है आपका नो एरर. तो इसमें आपको देखना है कि आपका कहां पर एरर है. आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं, देखो छांटो बताओ कहां पर है. चलो मैं ही बता रहा हूं, ठीक है, कि एरर आपका कहां पर है. देखेंगे हम यहां पर इसका एरर होगा पार्ट बी में, ठीक है. किस तरह होगा आप समझिएगा. लिखा है यू आर इन द हैबिट, ठीक है, ये बिल्कुल आपका पार्ट जो ए है तो आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है. अब बात करते ऑफ, ऑफ सब दिया है, ये आपका प्रपोजिशन लग चुका है यहाँ पर. अब आगे देखिएगा, पकड़ गिविंग ऑल, ठीक है, ऑल यहाँ पर सिंगुलर दिया है, टू ऑल सभी के लिए, ठीक है. द बेगर्स मतलब जितने भिखारी हैं सभी के लिए, वो कम टू, ठीक है, आगे पार्ट डी है नो एरर. तो सीधी सी बात है, जहाँ सिंगुलर है तो वहाँ क्वेश्चन के अनुसार प्लूरल करेंगे, ठीक है, यहाँ प्लूरल वहाँ पर सिंगुलर कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार देखा ऑम, तो ये सिंगुलर है, यहाँ पर जो यूज होगा वह प्लूरल होगा. तो स्पेलिंग बन जाएगी ALMS, यानी कि ये बिल्कुल आप इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगी, ठीक है. पार्ट बी में यहाँ पर एरर है. दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं. आपको मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना.